Hello friends, so let's see the scorpion sting after the discussion of the snake bite. Okay, so here we are not using the bite, here we are using the sting word. Why? Snake bite में हमने देखा कि snake के पास fang marks रहता है. Okay, snake के पास fang रहता है and by that fangs it inject their venom into the body. But scorpion does not have any fangs and that's why उसके पास एक sting होती है. जो tail होती है ना उसकी kind of segmented manner में रहती है. आप ये पर्टिकुलर वेन यू विल सी द स्कॉर्पियन देन यू विल फाइंड कि जो पर्टिकुलर स्कॉर्पियन होता है ना, ये जो पर्टिकुलर स्कॉर्पियन की जो बॉडी है, ओके, ये सेगमेंटेड फॉर्म में रहती है और टिप ऑफ द टेल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉर्पियन इट हैज़ अ काइंड ऑफ स्टिंग. और यही स्टिंग अल्टीमेटली क्या होता है, बॉडी में जब इंजेक्ट करता है बाय दिस वेनम ऑफ दिस स्कॉर्पियन इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी. ओके, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग द और वी आर टेलिंग द स्कॉर्पियन स्टिंग नॉट द स्कॉर्पियन बाइट. ओके, क्योंकि इसके माउथ में ऐसा कोई फैंग वगैरह नहीं होता है एज लाइक एस अवर स्नैक. ओके, तो यू कैन सी हियर वेन एवर द स्कॉर्पियन फील्स कि मुझे कोई अटैक कर रहा है, ओके, या फिर स्ट्राइक कर रहा है, डेफिनेटली इट इंजेक्टेड देयर वेनम बाय दिस स्टिंग मार्क. ओके ओके, ये देखिए सेगमेंटेड मैनर में इसकी टेल वगैरह कुछ रहती है, एट लेग इसके पास रहता है. ये पर्टिकुलर जो आपको टेल दिख रहा है सेगमेंटेड मैनर में रहता है एंड एट द टिप ऑफ दिस टेल इट हैज अ स्टिंग एंड बाय दिस इट इंजेक्टेड द वेनम, ओके, इनटू द बॉडी पार्ट्स. तो ये देखिए द एनाटॉमी ऑफ स्कॉर्पियन कंप्राइजेज एट लेग्स टू पिंसर्स. ओके, ये जो आपको विजिबली हो रहा था ये पर्टिकुलर टू पिंसर्स हैं. ओके, आप ये बॉडी देख रहे हो, ये कॉम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ये स्कॉर्पियन है, ये यू कैन से ट्रंक है पर्टिकुलर स्कॉर्पियन का, ये पिंसर्स हैं और एट ऐसे कुछ हमारे लेग्स होते हैं और ये टेल होती है जो कि सेगमेंटेड मैनर में होती है और एट द टिप ऑफ द टेल इट हैज अ स्टिंग एंड उस पर्टिकुलर स्टिंग के थ्रू क्या करता है, ये बॉडी में वेनम को इंजेक्ट करता है. ओके, यू कैन सी हियर टू पिंसर्स एट लेग्स एंड विथ एन एलोंगेटेड बॉडी. द स्कॉर्पियंस टेल कंसिस्ट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ वैरिंग लेंथ रेंजिंग फ्रॉम 9 to 20 centimeters. एज आई सेड द लास्ट सेगमेंट ऑफ द टेल कंटेन द स्टिंजर विच इज ऑल्सो नोन एज टेल्सन. स्कॉर्पियन ऑफ अ डिफरेंट टाइप, सम टाइप ऑफ स्मॉलर इन साइज एंड मोर ट्रांसुलर एंड कैन ऑल्सो बी डिफिकल्ट टू सी. देर आर नंबर ऑफ स्कॉर्पियन दैट इज ट्रांसलूसेंट इन नेचर दैट यू कॉन्ट सी बाई योर नेक डाइज, बट डेफिनेटली स्कॉर्पियन अपियर टू द आई एज अ नैरो स्टिंग ऑन द ग्राउंड. द स्टिंगर ऑफ द स्कॉर्पियन ट्रांसमिट अ टॉक्सिन टू द विक्टिम. ओके, ऐसा सेड कि पर्टिकुलर जो स्टिंग होती है उसके वहाँ पे स्टिंग में वेनम स्टोर हुआ रहता है और पर्टिकुलरली वेन एवर इट स्ट्राइक और वेन एवर द पर्सन स्ट्राइक द पर्टिकुलर स्कॉर्पियन डेफिनेटली इट इंजेक्ट देयर वेनम इनटू द ह्यूमन बॉडी. ओके, सो आउट ऑफ 2000 स्पीसीज ऑफ द स्कॉर्पियन ओनली 25 to 40 ऑफ देम ट्रांसमिट द वेनम सफिशियंट टू कॉज अ सीरियस हार्म टू द ह्यूमन बींग. ओके, नॉट ऑल द स्पीसीज ऑफ द स्कॉर्पियन प्रोड्यूसेज अ हार्मफुल और हार्म वेनम. ओके, द मेजोरिटी ऑफ द स्कॉर्पियन आर हार्मलेस. यू ऑल नो, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि अ काइंड ऑफ द वेनम और स्कॉर्पियन वेनम हैज़ अ न्यूरोटॉक्सिन एंड कार्डियोटॉक्सिन एजेंट. ओके, तो डेफिनेटली बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय मेजरिंग कि अ काइंड ऑफ दिस एजेंट इस पर्टिकुलर वेनम में रहता है, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि विच फीचर इट विल प्रोड्यूस. ओके, विच फीचर इट विल प्रोड्यूस, तो न्यूरोटॉक्सिन है मीन्स न्यूरोलॉजिकल फीचर्स होगा, कार्डियोटॉक्सिन है मीन्स क्या करेगा वो डायरेक्टली हार्ट को अटैक करने वाला है. ओके, कार्डियोटॉक्सिक करने वाला है, तो न्यूरोटॉक्सिक कार्डियोटॉक्सिक एजेंट हमारे इसके अंदर स्कॉर्पियन वेनम में रहता है. तो बाघ स्कॉर्पियन मेनली यूएसए वगैरह का ये मोस्ट पॉइजनस हमारा स्कॉर्पियन है एंड पोटेंशियली फैटल स्पीसीज होता है, पर्टिकुलरली फॉर इन्फेंट्स यंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. तो कॉमनेस्ट स्कॉर्पियन जो हमारा है रेड स्कॉर्पियन एंड ब्लैक स्कॉर्पियन है. द रेड स्कॉर्पियन इज मोर वेनमस, इट हैज अ मोर वेनम एंड वेनम विच इज मिक्सचर ऑफ न्यूरोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूट इज कंटेन इन द स्टिंजर एट द टिप एंड ऑफ अ टेल. ओके, एज आई सेड, तो पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर देखते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दिस फीचर वी विल ट्रीट द पेशेंट. तो लोकल बर्निंग पेन जहाँ पे बाइट हुआ रहेगा, लोकल बर्निंग पेन स्वेलिंग रहता है, पैरास्टेशिया रहेगा, नमनिंग रहता है वहाँ पे. ओके, क्योंकि नमनिंग इज द फीचर ऑफ न्यूरोलॉजिकल फीचर. ओके, स्वेटिंग रहेगा, सलाइवेशन होता है, ओमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, ये सभी जनरलाइज फीचर रहेंगे. मिड्रियासिस होता है. ओके, हाइपरटेंशन फॉलोड बाय हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया फॉलोड बाय टैकीकार्डिया, कार्डियक अरिदमिया, मायोकार्डाइटिस. ओके, तो दिस यू कैन से दिस आर द क्लिनिकल फीचर और यू कैन से दिस आर द सिम्टम्स दैट प्रोड्यूस बाय अवर वेनम एंड अल्टीमेटली बाय दिस सिम्टम वी विल ट्रीट द पेशेंट. ओके, सिम्टमोलॉजिकल ट्रीटमेंट वी हैव टू प्रोवाइड द पेशेंट एंड पेशेंट कैन ट्रीट इजिली. ओके, तो कन्वर्जन मे हैपन, पल्मोनरी एडिमा मे हैपन. ओके, दिस आर द ओलिगो यूरिया, देयर मे बी द केस. ओके, तो लोकल बर्निंग पेन, तो फ्रॉम द साइट ऑफ द बाइट
there is a pain started and it you can say spread to all over the body, or you can say generalized pain or generalized ache is started to the person. Okay, so midriasis, hypotension followed by hypertension, bradycardia followed by tachycardia, cardiac arrhythmia, convulsion, pulmonary edema, oliguria, these are the clinical features of the scarpin venom case. Okay, so you have to first immobilize the patient. Okay, then local ice application wagera you can do. IV fluids you have to provide the patient. Okay, oxygen therapy you have to give the patient. Treatment of hypo and hypertension depending on the medication and depending on the symptom and depending on the, you can say, condition of the patient. Okay, then diazepam for the convulsion you have to give the patient. Metoclopramide for omitting, this is the anti-emitting drug. Okay, metoclopramide or you can say ondansetron wagera you can give the patient for omitting control. Okay, and lastly furosemide for a pulmonary edema. So these are the symptomological treatment or symptomatically treatment you have to treat the patient. By this the patient can survive easily. Okay, but you have to immobilize the patient. First of all you have to immobilize the patient, otherwise the venom will spread to all over the body. Okay, local ice application you can do, and some text is not mentioned this application of, or cryotherapy we are saying that. Okay, local ice application, some text is not mentioned. Okay, or some text is contraindicated this you can say application of ice. Okay, over the bite side. So IV fluid wagera you can give that person. Okay, and depending on the treatment or depending on the, you can say, symptoms, what the produce, what the patient will produce. Okay, what the patient will have, so you will treat the patient depending on the symptom of that person. So diazepam for the convulsion, anti-emitting wagera you have to give the for omitting wagera. Okay, so that is all about our you can say for a kind of scarpin sting. Okay, you have to remember ki yahan pe hum scarpin bite nahi bolenge, because scarpin does not bite anything. Scarpin does a kind of sting. Okay, whenever you will strike the scarpin, definitely it produces it has a stinger, and stinger mein venom store rehta hai, and after striking to the scarpin it injected the venom by this stinger only. Okay, so that is all about our scarpin sting.